क्या आपको ये निर्णय लेना है कि वो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के साथ है कि वो महागठबंधन के साथ है। तो जाप का निर्णय तो खुद आधार में है और उनकी सदस्यों की संख्या है नहीं, तो भला किसी को मुख्यमंत्री बनाने में उनका योगदान क्या हो सकता है कि महागठबंधन में नहीं है मांझी जी। मांझी जी एनडीए में है, तो पहले तो मांझी जी एनडीए में रहेंगे कि एनडीए में को छोड़ेंगे। नंबर दो कि अगर सदन में सरकार बनाने के लिए सदन में सदस्यों की संख्या की जरूरत पड़ती है तो जाप के कोई सदस्य हैं ही नहीं, तो मदद कैसे करेंगे। बिहार की राजनीति में खलबली तो मची ही हुई है, लेकिन इसी बीच इस पूरे खलबली में आग में घी डालने का काम किया जाप के अल्पसंख्यक नेता शाहान परवेज जी ने। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि अगर तेजस्वी यादव जी चाहते हैं कि सही में वो गरीब गुरुओं की आवाज़ हैं और महागठबंधन वो अगर गरीब की हक की बात करता है, तो जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री बना दे, जीतन राम मांझी जी को महागठबंधन से मुख्यमंत्री का दावेदार बता दे, इसके बाद पप्पू यादव जी और जाप के तमाम लोग जो हैं तेजस्वी यादव के साथ हो जाएंगे। ये बात शाहान परवेज जी ने कही। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए महागठबंधन के मजबूत घटक दल कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौड़ जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सीधे तौर पे जो बात शाहान परवेज जी ने कही है कि अगर मांझी जी को सीएम बना देते हैं तो जन अधिकार पार्टी उनके साथ यानी कि महागठबंधन के साथ है हो जाएगा, नहीं तो इसे सीधे तौर पे समझा जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सभी लोग आशान्वित हैं, सभी दांव पे छोड़ रहे हैं। क्या लगता है आपको? जाप नेता को पहले ये सोचना और समझना दोनों पड़ेगा कि महागठबंधन में नहीं है मांझी जी। मांझी जी एनडीए में है, तो पहले तो मांझी जी एनडीए में रहेंगे कि एनडीए में को छोड़ेंगे। नंबर दो कि अगर सदन में सरकार बनाने के लिए सदन में सदस्यों की संख्या की जरूरत पड़ती है तो जाप के कोई सदस्य हैं ही नहीं, तो मदद कैसे करेंगे। जाप का जनाधार कहाँ है? सदन में तो कोई सदस्य है नहीं। तो अब्दुल्ला के शादी में बेगाने के शादी में अब्दुल्ला दीवाना की बात हो गई। ये तो है कि पहले महागठबंधन को में कोई नेता आएंगे उसके बाद किसी बात पर विचार होगी। पहले नीतीश कुमार के साथ मांझी जी हैं कि नहीं है, महागठबंधन का नेता तय है, महागठबंधन में तेजस्वी यादव जी नेता हैं, तो महागठबंधन के लोग बैठ के तय करेंगे ना जो कौन मुख्यमंत्री होगा कौन मुख्यमंत्री नहीं होगा। तो महागठबंधन के नेता तो बिहार में पहले से हमारा तय है कि तेजस्वी यादव जी बिहार में महागठबंधन के हमारे नेता हैं, तो जो महागठबंधन के नेता है वो तय करेंगे कब क्या होगा। लेकिन बिहार के विकास के मुद्दों पर पहले जाप को ये निर्णय लेना है कि वो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के साथ है कि वो महागठबंधन के साथ है। तो जाप का निर्णय तो खुद आधार में है और उनकी सदस्यों की संख्या है नहीं, तो भला किसी को मुख्यमंत्री बनाने में उनका योगदान क्या हो सकता है। लेकिन सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव जी सिर्फ और सिर्फ खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए सारा दांव पे रच रहे हैं, अगर सही में वास्तव में वो करना चाहते हैं तो दलित को आगे करें, दलित को मुख्यमंत्री बनाए। बिहार के जनता 12 करोड़ लोगों ने तेजस्वी यादव को ही अपना नेता माना, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में तेजस्वी यादव उभरे हैं और बिहार के एक नंबर के नेता के रूप में तेजस्वी यादव उभरे हैं। जब बिहार के जनता ने आशीर्वाद दिया था उन्हें मुख्यमंत्री बनने के लिए, भले ही भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार तंत्र के प्रयोग करके तेजस्वी यादव जैसे तेज तरार नौजवान को मुख्यमंत्री बनने से वंचित किए, आने वाले समय में तेजस्वी यादव ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, कुशल मुख्यमंत्री होंगे, नौजवान होंगे और नौजवानों के बारे में जो उनकी सोच है, बेरोजगारी मिटाने की सोच है, रोजगार सृजन करने की सोच है, नए बिहार की सोच है, यह बेहतर सोच बिहार के आवाम को भा गया है, इसीलिए तो बिहार के नंबर वन हैं तेजस्वी यादव जी। तो अभी हमारे साथ कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौड़ जी मौजूद थे। सीधे तौर पर कहना है इनका कि कुछ भी हो जाए जनता ने चुना है तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री, अपना कैंडिडेट, अपना नेता, तो ऐसे में तेजस्वी यादव ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे आने वाले समय में। जुड़े रहें भारतलाइव के साथ, क्या अपडेट होगा भारतलाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए जरूरत है कि भारतलाइव की खबरों को यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रउआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।